नमस्कार दोस्तों, बिल स्टार्टअप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमएसएमई पार्क डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश इस प्रस्तावित परियोजना पर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने बिल स्टार्टअप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई एंटरप्राइजेस बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसीलिए इन्हें इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ भी कही जाती है। भारत के टोटल एक्सपोर्ट में एमएसएमई सेक्टर का योगदान आज 50% है। साथ ही एमएसएमई सेक्टर पूरे भारत में लगभग 110 मिलियन यानी कि 11 करोड़ के करीब लोगों को रोजगार देता है। साथ ही एमएसएमई सेक्टर हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 30% योगदान देता है। भारतीय सरकार ने एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ को लेकर कुछ टारगेट तय किए हैं, जैसे कि इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में एमएसएमई सेक्टर की भागीदारी 75% हो, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 50% हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 जून 2020 में भारत के अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत की इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने के लिए आत्मनिर्भर योजना लॉन्च की गई। MSMED यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत MSME को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है सर्विस MSME और दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग MSME। सर्विस प्रोवाइड करने वाली MSME में लोकल कंपनीज जिनमें लगभग 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है उन्हें माइक्रो एंटरप्राइजेस कहा जाता है, और जिसमें 10 लाख से ज्यादा और 2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है उसे स्मॉल एंटरप्राइजेस कहा जाता है। वहीं 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट वाली एंटरप्राइजेस को मीडियम एंटरप्राइज कहा जाता है। सर्विस MSME के कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि होटल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट्स, प्राइवेट बस अथॉरिटी एक्सेट्रा। चलिए बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग MSME की। तो मैन्युफैक्चरिंग MSME प्रोडक्शन जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चर, चार्जर मैन्युफैक्चर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर यानी कि चीजों का प्रोडक्शन करती है। चलिए प्रोडक्शन करने वाले MSMEs की कैटेगरीज को समझते हैं। जैसे कि 0 से 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट वाली इंटरप्राइज को मैक्रो इंटरप्राइज कहते हैं, वहीं 25 से 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पाने वाली इंटरप्राइज को स्मॉल इंटरप्राइज कहते हैं, वहीं 5 से 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट पाने वाले इंटरप्राइज को मीडियम इंटरप्राइज कहते हैं। इसके अलावा कई देशों में MSME का क्लासिफिकेशन टर्नओवर और नंबर ऑफ एम्प्लॉई के हिसाब से किया जाता है। वहीं जून में भारत में MSME डेवलपमेंट एक्ट 2020 आया, जिसमें भारत की MSME एंटरप्राइज का क्लासिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों को ऐड कर दिया गया। इसके अलावा मैन्युफैक्चर और सर्विस इन दोनों कैटेगरी को एक कर दिया गया। अब भारत में MSME कैटेगरी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से क्लासिफाई की जाएगी। जो इंटरप्राइजेस MSME क्लासिफाई हो जाती हैं, उन इंटरप्राइजेस को सस्ते रेट पर लोन मिल जाता है और कई जगह पर उन्हें टैक्स में छूट भी दी जाती है। किसी अन्य वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में करीब 52.38 लाख MSMEs हैं, जो पूरे भारत में लगभग 11.55% योगदान देती है। ये आंकड़े 2015 से 2016 के हैं, अब ये आंकड़े और बढ़ गए हैं। यहाँ पर MSME यूनिट्स हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, कारपेट, रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स आदि से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम भी MSME सेक्टर की ग्रोथ के लिए लाई गई थी। वहीं ODOP पर एक वीडियो चैनल पर मौजूद है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम 2018 में आई थी। इसके बाद 2018-2019 में उत्तर प्रदेश ने लगभग 1.14 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया। साथ ही उत्तर प्रदेश ने उस साल लगभग 28% ज्यादा एक्सपोर्ट में ग्रोथ की। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट में MSME पार्क डेवलपमेंट पर सोच रही है। इसमें 6 जिलों के नाम शामिल है, जिसमें वाराणसी, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर और आजमगढ़ शामिल है। इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है, ये MSME मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा करेंगे। यहाँ पर एक अच्छी सप्लाई चेन तैयार होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, साथ ही एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि इन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज तरीके से विकसित है, जिससे यहाँ पर इंडस्ट्रीज को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन MSME क्लस्टर्स में नई तरीके की टेक्नोलॉजी, गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोवाइड होगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन MSME क्लस्टर्स को एक्सप्रेसवे के किनारे डेवलप करने पर विचार कर रही है। फिलहाल दोस्तों अभी बहुत सारे एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, जल्द ही एक्सप्रेसवे पर कार्य पूरा हो जाएगा और MSME निर्माण पर भी तेजी से कार्य हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस पर आगे कोई भी अपडेट आएगा तो मैं जल्द ही इस पर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।